नमस्कार, मैं इस्लामुद्दीन खान, आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुमरा में कब्रिस्तान का मुद्दा तूल पकड़ते जा रहा है, क्योंकि अब कौसा कब्रिस्तान में मैयत दफन करने की जगह नहीं है। कब्रिस्तान को लेकर मुमरा शहर में तरह तरह के चर्चा हो रहे हैं। एमएम वली में जो कब्रिस्तान दिया जा रहा है, उस कब्रिस्तान पर मुमरा के लोग विरोध कर रहे हैं। जहां एक तरफ विरोध हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ जमीयतुल उलमा हिंद के मौलाना वहाब कासमी एमएम वली स्थित कब्रिस्तान का जायजा लेने पहुंच गए। इस दौरान बात की हमने मौलाना वहाब कासमी से। आज यहां सर्वे करने आए तो आपको किसी राजनीतिक पार्टी ने भेजा है या मुमरा वालों ने भेजा है? किसने भेजा है जो आप यहाँ पर सर्वे करने के लिए आ जाए? पहली बात तो यह है, किसी भी राजनीतिक पार्टी से हम लोग जुड़े नहीं हैं और हम लोग उनकी सियासत को मानते भी नहीं हैं। हमारे उलमा, हम लोग बैठ के मशवरा किए, उलमा ने कहा कि देखो अच्छी चीज़ एक हो गई है, चलो उसका जायज़ा लेते हैं और कहते हैं कि ये किस तरीके से, किस अंदाज से यहाँ पे काम शुरू किया जाए तदफीन का, ये मशवरे के लिए हम लोग आए हैं। कब्रिस्तान आप देखने आए थे, तो इस कब्रिस्तान को मतलब मुमरा वासियों के लिए देखने आए या कौसा के लोगों के लिए? अब हम लोग तो ये नहीं जानते ये मुमरा वासियों के लिए है या कौसा वासियों के लिए है। जितने लोग भी यहाँ आए हैं, ये जानते हैं कि मुमरा के लिए, कौसा के लिए कब्रिस्तान हो गया है। अब ये कब्रिस्तान देख करके हम लोगों का दिल खुश हुआ है कि चलो माशाल्लाह बहुत जद्दोजहद किया गया, बहुत लोगों ने कोशिश किया, तो इतना बड़ा कब्रिस्तान हम लोगों के हाथ में आ गया। उलमा लोग यहाँ पर देखने आए थे, तो क्या एनसीपी के भी किसी नेता को आपने यहाँ बुलाया था? हम लोगों का तो सियासत से कोई लेना देना ही नहीं है, न एनसीपी, न कांग्रेस, न समाजवादी, कोई जमात नहीं। हमारी जमात जो है खालिस दीनी तंजीम है और दीनी जमात है। मुमरा वालों को कब्रिस्तान की ज़रूरत थी, लेकिन कहीं ना कहीं ये कब्रिस्तान बहुत दूर है, तो क्या कहेंगे आप? अब बहुत दूर है तो शहर से मिला हुआ है, बहरहाल दूर है तो वो दूरी भी हम लोग बर्दाश्त करेंगे। ना होने से तो अच्छा है कि हो गई, इतनी दूरी नहीं है कि हम लोग ना ला सके। मुमरावासी इस कब्रिस्तान को लेकर काफ़ी आवाज़ उठा रहे हैं कि जिस जगह पर यह कब्रिस्तान बनाया जा रहा है उसको लेकर वो आवाज़ उठा रहे हैं। मतलब आप लोग वलमाओं पर जो है छोड़ा था कि वलमा लोग जो है इसके बारे में सर्वे करेंगे और बताएंगे, तो आप लोग क्या मुमरावासियों के बातों पर खरे उतर रहे हैं क्या सर्वे आज जो कर? हम लोग देखो कोई सियासत में रहते ही नहीं है, हम लोग को क्या मालूम ये क्या है क्या नहीं है। हम लोगों को तो बस आप लोग करके दे दो कब्रिस्तान, हमारे मुर्दे दफन हो जाएँ, हमारे मुसलमान भाई, हमारे शहर के रहने वाले खुश हो जाएँ, हम लोगों के लिए यही एक बहुत बड़ी चीज़ है। अब वो आप लोग जानो ये क्या है कैसा है, ये हम लोग नहीं जानते हैं। हमको बस कब्रिस्तान मिल गई, हमारे उलमा, हमारे शहर के लोग खुश हैं। सर लास्ट, मौलाना वहाब कासमी का साफ कहना है कि कब्रिस्तान की सख्त ज़रूरत है, कब्रिस्तान मिलना चाहिए। वहीं मौलाना कासमी से जब पूछा गया कि गर्ल हॉस्टल की जगह पर कब्रिस्तान बन रहा है, तो उनका क्या जवाब है आप खुद सुने। क्योंकि ये कब्रिस्तान जो है गर्ल हॉस्टल के बारे में भी कहा जा रही है, गर्ल हॉस्टल की जो है जगह थी। अब वो गर्ल्स हॉस्टल की जगह थी या किसी भी हॉस्टल की जगह थी, ये तो हमको मालूम नहीं, हम लोग ये सब जानते भी नहीं हैं। अब लोगों ने कहा कब्रिस्तान बन गया है, आप जानते नहीं हैं और आप सर्वे करने के लिए आए हैं, तो फिर किस आधार पर सर्वे कर रहे हैं? कब्रिस्तान जब बन गई है और टीएमसी बोर्ड है, देखो सब बोल रहे हैं कि टीएमसी ने मंजूर कर दिया है, तो जबरदस्ती कोई इतनी बड़ी जगह पे कब्रिस्तान बना देगा? हैरानी होती है सुनकर, सर्वे करने पहुंच गए मगर इन्हें कुछ मालूम नहीं है। अब ये मुमरा की आवाम को सोचना है कि उन्हें कौन गुमराह कर रहा है। लेकिन एक बात तो सच है, जिस तरह से कब्रिस्तान का मुद्दा अधर में लटका हुआ है, उसको लेकर मुमरा के लोगों में काफ़ी नाराजगी देखने को मिल रही है। तो देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।